समाचार पढ़ने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस की ओर। ठंड से पारा शिक्षक की मौत, अस्पताल की लापरवाही ने महिला को संकट में डाला, पटरी निकालते समय काटी फूड पाइप। गोविंदपुरी में युवक की चाकू मारकर हत्या, दोस्तों पर ही हमले का आरोप। कल्याण मंत्री लुईस मराड़ी के आवास के सामने धरना पर बैठे एक पारा शिक्षक कंचन कुमार दास की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ठंड लगने की वजह से उसकी मौत हुई है। मृत शिक्षक रामगढ़ प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय चिन्नारगाल में कार्यरत थे। राजधानी नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर ने पटरी का ऑपरेशन करते हुए एक बुजुर्ग महिला की फूड पाइप ही काट दी, जिससे महिला की जान बर्बाद आई। साउथ ईस्ट दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप उसके ही दोस्तों पर लगा है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।